हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रीन लव में। दोस्तों, आज की वीडियो की स्टार्टिंग देख के आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या टॉपिक है। मेरा आज का यही टॉपिक है कि प्लांट को प्रून कैसे करें। जो हमारे बिगनर्स भाई बहन हैं वो डर जाते हैं कि हम कैसे काटें प्लांट को, ये ग्रो करेगा नहीं करेगा। हमें कुछ ऐसी बात मन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब इसका सीजन आएगा, ग्रोइंग पीरियड आएगा, तो ये आप अपने आप देखना कि आपका प्लांट पहले से अच्छा ग्रो करेगा। बल्कि तो आज का मेरा टॉपिक यही रहेगा कि हम प्रूनिंग कैसे करें। ये नहीं कि आपने कटर लिया, कैंची ली, आपने काट दिया प्लांट को, ऐसे नहीं। इसका भी कुछ रूल होता है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है हमें कि हमें प्रूनिंग कैसे करनी है, देखना है क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो ये देखिए, ये आपने नोटिस किया होगा, मैंने तिरछा रखा हुआ है कटर को। तिरछा मैंने किस लिए रखा हुआ है, 45 डिग्री पे रखा हुआ है, क्योंकि इसका मेन कारण यही है कि जब हमारा प्लांट या तो ओपन में होता है या बारिश या वाटरिंग करते टाइम थोड़ा बहुत पानी उसके ऊपर गिर जाता है, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन ना हो, वो पानी नीचे गिर जाए, ठीक है, रुके ना उसके ऊपर। तिरछा इसलिए काटा जाता है। अब ये मेरा हिबिस्कस का है, इसका सीजन चला गया है, तो मैं अब इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी। मैंने पिछली साल भी ऐसी हार्ड प्रूनिंग की थी और देखिए कितने बड़े बड़े, और मेरी पिछली वीडियो में आप सर्च करेंगे हिबिस्कस की तो बहुत अच्छे फ्लावरिंग दी हुई है। अब इस टाइम ये रेस्ट मोड में है, तो मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी और ताकि हमें आने वाले टाइम में अच्छी फ्लावरिंग दे ये। तो हमें पतली पतली टहनियाँ तो काटनी ही है नीचे से, लेकिन जो डेड हेड होते हैं, जैसे कई जगह पे आपको दिखेंगे लकड़ी सी होती है, वो आगे उसके ऊपर कोई लीफ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये मैं आपको दिखाऊंगी एक थोड़ा सा फोकस करके कैमरा, उसके आसपास लीफ निकली हुई है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल लकड़ी की तरह है वो, कोई ग्रोथ नहीं है। तो उस ऐसी स्टेम को काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसी ही रहती है, फिर उसको हम काट देंगे तो उसकी जगह शूट्स निकल आएंगे नई नई। तो ऐसे डेड हेड को काटना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसका भी, सभी प्लांट्स का अलग अलग टाइम होता है प्रूनिंग का। जो गर्मी के जो फ्लावर देने वाले होते हैं उनको हम इस टाइम प्रून कर सकते हैं, या फिर जब बारिशें आती हैं, जब उलझलूल ग्रोथ हो जाती है प्लांट्स की, बहुत जंगल सा हो जाता है, उस टाइम भी सबको प्रून करना बहुत ज़रूरी है, चाहे सीजनल प्लांट है चाहे परमानेंट है, उस टाइम भी प्रून करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सॉफ्ट प्रूनिंग कर दें, वो आप पे डिपेंड करता है, आपका प्लांट आप कैसा चाहते हैं या शेप देके चाहते हैं, कैसा करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए, मैं डेड हेड की बात कर रही थी ना, ये देखो अभी मैं दिखा रही हूँ, इसके आसपास लीफ निकले हुए हैं, लेकिन ये ठूंठ सा है यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, यहाँ कोई लीफ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, उसके नीचे से लीफ निकले हुए हैं। तो हम इसको पूरी को ही उड़ा देंगे, स्टेम को यहाँ से, ताकि नीचे से आपको और ज़्यादा स्टेम मिले, ठीक है। अब 45 डिग्री पे एंगल पे कटर रख के काटने का मतलब क्या है कि इसके जो मैंने बताया आपको पानी वानी देते टाइम या बारिश के टाइम या आपका ओपन रखा है प्लांट, तो इसमें फंगल इन्फेक्शन ना हो, ये पानी रुके ना। और इसके अलावा अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये तिरछा काट के उसके ऊपर हम क्या लगाएं। या तो कई लोग क्या करते हैं, नेल पेंट लगा देते हैं, जैसे ये दिख रहा है ना आपको तिरछा, नेल पेंट लगा देते हैं, हैं मैं यहाँ पे वैक्स लगा रही हूँ, ये देखिए लग गया ना, इसके ऊपर ड्रॉप गिरते ही वैक्स जम जाता है, ये देखिए ऐसे। इसको हम बंद कर देंगे ताकि यहाँ से इसका मॉइस्चर उड़े ना, मॉइस्चर उड़े एक तो फंगल इन्फेक्शन नहीं होगी, एक इसका मॉइस्चर नहीं उड़ेगा तो ये सूखेगा नहीं यहाँ से। तो जब आपका नेक्स्ट, जब इसका सीजन आएगा, तो यहाँ से आपको स्टेम मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ बातें ऐसी थी जो हम ध्यान रख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अगर आपको वैक्स से करना डर लग रहा है, ये जैसे मोमबत्ती से मैंने किया,
कि कभी प्लांट ना जल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी लो है जो मोमबत्ती की, वो पीछे की साइड है, और वैक्स गिरते ही जम जाता है इतनी ठंड में, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा ही कुछ डर लग रहा है तो ग्लू गन आती है, वो बेस्ट तरीका है। ग्लू गन से, उसमें भी वैक्स की ही स्टिक होती है, ग्लू गन गर्म करके और आप 2-3 स्टेम पे आराम से कर सकते हो, तो वो भी चिपक जाएगा बिल्कुल। तो वो भी एक तरीका है, ग्लू गन से कर सकते हैं, नेल पेंट से कर सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि ये कटी हुई गंदी लग रही है, तो बर्थडे पे वो आती नहीं है केक के साथ छोटी छोटी कैंडल, उसमें ग्रीन कलर की कलर्ड होती हैं हम उसमें, तो ग्रीन कलर की जो कैंडल आती है छोटी छोटी, या दिवाली पे बची हुई कैंडल होती है, उससे भी आप कर सकते हो, ताकि यहाँ से ग्रीन ग्रीन लगे आपको, ये वाइट वाइट अच्छा नहीं लगता। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो थे कुछ बातें ध्यान रखने की जो हम प्रूनिंग के टाइम करते हैं, और प्रूनिंग कैसे करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।